कातिल हंस रहा है। सरकार पिकनिक मना रही है। अंकिता का परिवार शोक में डूबा है। अंकिता हम शर्मिंदा हैं। अंकिता हम शर्मिंदा हैं। और दुमका इंसाफ के लिए सड़कों पर है। दुमका की अंकिता अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और सूबे के सीएम हेमंत सोरेन 45 विधायकों के साथ पिकनिक मना रहे थे। जिंदा जलाई गई एक बेटी की सांसें उखड़ रही थी और पिकनिक मनाने में व्यस्त थे सीएम। साहब सेल्फी और फोटो सेशन करवा रहे थे। जिस वक्त अंकिता जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी इस उम्मीद में कि उसे इंसाफ मिलेगा, ठीक उसी वक्त हुक्मरान से लेकर सरकार तक सब पिकनिक पर थे। सियासी तनाव को दूर करने के ट्रिप पर निकले थे। रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर इस डैम पर मौज मस्ती कर रहे थे। लेकिन सीएम साहब और उनके मंत्री से लेकर विधायकों को 5 दिनों से अस्पताल में जंग लड़ रही अंकिता का दर्द नहीं दिखा। ये तब है जब अंकिता मौत से पहले अपने साथ हुई हैवानियत की पूरी कहानी बयां कर चुकी थी। शाहरुख और नईम नाम के दो आरोपियों ने अंकिता पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, वो भी उसके घर के अंदर। सवाल सिर्फ अंकिता के साथ हुए अपराध को लेकर ही नहीं है, सरकार और प्रशासन की सोच को लेकर भी उठ रहा है। पैगंबर विवाद के दौरान रांची में हुई हिंसा के वक्त जख्मी हुए एक आरोपी नदीम अंसारी को इलाज के लिए झारखंड सरकार ने दिल्ली एयरलिफ्ट करवाया था। इलाज का पूरा खर्च सरकार ने उठाया था, लेकिन 90% जिंदा जल चुकी अंकिता सिंह इलाज के लिए तड़पती रही। एयरलिफ्ट तो छोड़िए, एक एम्बुलेंस तक सरकार की तरफ से मुहैया कराई नहीं गई। ये सनसनीखेज आरोप पिता ने लगाए। परेशानी में से पैसा नहीं था, पैसा कारण हम नहीं जा रहे थे, पीछे हट रहे थे। फिर जो आए सांसद सुनील सोरेन, फिर बोले चलो हम तुमको सब सारा व्यवस्था करा देते हैं, तुम जाओ निकलो यहाँ से। वही एम्बुलेंस करके तेल उठा के वही लिए चले। अगर वक्त रहते अच्छा इलाज मिल गया होता तो शायद अंकिता जिंदा होती। ये थाना में एक बार पंचायती हुई, उन लोगों ने FIR लॉज नहीं किया जो जानकारी है, और FIR लॉज नहीं होता है जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना में इसकी परिणति होती है। FIR क्यों नहीं किया गया? अगर मान लीजिए कि थाने में मामला आया था, ये जांच का विषय है। और यदि किसी भी पदाधिकारी का कोई यदि चूक हुआ होगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये जांच का विषय है, क्योंकि ये चीजें अभी तक हम लोगों के प्रकाश में नहीं है। ये जांच का विषय है, और यदि किसी ने लापरवाही और कोताही की है तो सरकार उसको मजबूती के साथ उसको दंडित करेगी।